अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक और नई वीडियो के साथ हाजिर। दोस्तों, मैं आज आपको बता रहा हूँ कीबोर्ड के बारे में, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग है। मेरे पास मौजूद है गो कीबोर्ड, और इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मेरे पास ये ऑप्शंस आ गई हैं, थीम्स की, बैकग्राउंड की। ठीक है, ये बैकग्राउंड आ गया। बैकग्राउंड पे आप अपनी पिक्चर लगा सकते हैं। ये मेरे पास पिक्चर मौजूद है मेरी और मेरे दोस्त की। ये देखिए, इसका बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। मैसेज में आने के बाद मैंने जैसे ही प्रेस किया इनबॉक्स में, ठीक है, ये कीबोर्ड शो हो गया। ये सामने इंग्लिश के ऑप्शन नज़र आ रही है, इस पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद सबसे नीचे सेटिंग लैंग्वेज है, ठीक है, आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इंग्लिश पे क्लिक किया और ये उर्दू की ऑप्शन आ गई। ये देखिए, उर्दू में चेंज हो चुका है और आप उर्दू लिख सकते हैं। ये देखिए, अगर इसका थीम चेंज करना हो, थीम पे आए और इसका थीम चेंज कर सकते हैं आप। ये देखिए, मुख्तलिफ मैं इस पे क्लिक करता हूँ और डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड करने के बाद ये थोड़ी सी देर लेगा। चलिए दोस्तों, डाउनलोड हो चुका है, अप्लाई कर दिया। ये देखें, अप्लाई हो गया। अब मैं सबसे पीछे चल जाऊंगा और जैसे मैंने 200 लेफ्ट साइड पे ऑप्शन थी कीबोर्ड की, इस पे मैंने अपना क्लिक किया। और मोर के ऑप्शन आ गई, इधर थीम आ गया। मैं डाउनलोड किया हुआ था 200, पता नहीं किधर चला गया। एक और कर लेते हैं हम डाउनलोड। इसको अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद पीछे चले गए। ये देखिए दोस्तों, चेंज हो चुका है और इंग्लिश लैंग्वेज है। अब इंग्लिश कर लेते हैं और ये उर्दू लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक है, अब टाइप कर सकते हैं। बस इतना ही दोस्तों आज के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन को प्रेस करें। मेरी आने वाली सब वीडियो आपको हर वक्त मिलती रहे। इसी के साथ दोस्तों, मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।